दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, सॉरी कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इन्फिनिट सीरीज। सो जो हमारे पास सीरीज दी हुई है उसका एनेट टर्म हमारे पास ये है UN, और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं और चेक करेंगे कि ये सीक्वेंस या सीरीज कन्वर्ज करती है या नहीं। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड सुमित शर्मा एंड यू आर वॉचिंग माई वीडियो। मेक श्योर इफ यू आर न्यू हियर कंसिडर सब्सक्राइबिंग and make sure you like the video after watching. If you have any doubt, you can comment in the comment section below. So let's start our video. हमारे पास UN is equals to इतना दिया हुआ है, UN is equals to ये n के पावर 4 हम रूट से बाहर निकालेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये रूट है हमारा, ठीक। और उसके बाद अंदर बनेगा ये रूट का मतलब पावर हाफ, ठीक। तो अगले स्टेप में हमने n स्क्वायर कॉमन लेके इसमें रूट की जगह पावर हाफ कर दिया। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमें इसको एक्सपेंड करना है 1+x की पावर n के एक्सपेंशन सीरीज फॉर्मूले से, ठीक है। क्या होता है 1+x? जस्ट वेट वन मिनट। हाँ, 1+x की पावर n इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या बनेगा? 1+nx+nn-1x² / 2, ठीक है। सो ये हमारा 1+x की पावर n है, 1+x की पावर n है, ठीक है। सो इसको हमने एक्सपेंड किया तो ये हमारे पास इतना आ गया। इसको हमने एक्सपेंड किया 1-x की पावर n तो ये इतना आ गया, ठीक है, n स्क्वायर है। तो अब क्या करेंगे? n स्क्वायर ये मतलब यही n स्क्वायर है ये वाला, तो हम वेट वन मिनट। सो n स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ माइनस साइन है ना, इसको हमने एक्सपेंड किया, माइनस साइन है ना ये बीच में। अब इसको अब हम माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये वन और ये वन कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, जो कैंसिल नहीं होंगे बच जाएंगे, जो बचेंगे वो ये लिखे हुए हैं, ठीक है, जो बचे हुए ये लिखे हैं सब। अब क्या हुआ, n स्क्वायर अंदर भेजेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। सो इतना आ गया हमारे पास, एन स्क्वायर अंदर गया, ठीक है, एन स्क्वायर अंदर गया। उसके बाद ये 1/n² हो जाएगा, 1/16 n^10 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/n² हो जाएगा। देखिए ये 1/n² कहाँ से है, हम इसमें से, ये एक सीरीज़ है, देखिए प्लस डॉट 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 लिखा हुआ है, मतलब ये सीरीज़ है। इसमें से 1/n² कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो 1+ इतना बचेगा ये, ठीक। अब देखिए जो बाहर 1/n² लिखा हुआ है, ये VN है हमारा, ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये VN है, ठीक। अब इसका समेशन करेंगे तो ये समेशन VN हो जाएगा, समेशन VN इज इक्वल्स टू 1/n², ठीक, क्योंकि VN की वैल्यू 1/n² है। अब इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सीरीज। ज़्यादातर केसेस में हम लोग ऑक्सिलरी सीरीज फाइंड करेंगे, तो ध्यान रखिएगा यही हमारी ऑक्सिलरी सीरीज है। सो जस्ट वेट वन मिनट, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए 1/n² n^2 है, n^2 का मतलब p टेस्ट यहाँ पे लगाएंगे, p = 2 आ गया, जो कि ग्रेटर देन 1 है। और अगर ग्रेटर देन 1 आता है p की वैल्यू, तो फिर ये समेशन vn कन्वर्जेंट हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे रेशियो फाइंड करेंगे UN/VN का, n गोज़ टू इन्फिनिटी पे। सो UN/VN जब ये रेशियो निकालेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ये सीरीज आएगी, यहाँ पे n गोज़ टू इन्फिनिटी रखेंगे, ये कैंसिल, सारे टर्म्स कैंसिल, बचेगा 1 बचेगा, तो ये फाइनाइट और पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो फिर आगे अब फाइनाइट और पॉजिटिव वैल्यू आई, जिसकी वजह से हमारा जो है, आपको बता दें, समेशन वी एन कन्वर्जेंट है, इम्प्लाइज समेशन UN इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ठीक। समेशन VN कन्वर्जेंट हुआ, जिसकी वजह से UN भी कन्वर्जेंट हो गया, अब UN इज कन्वर्जेंट ऑल्सो, ठीक है। तो UN हमारा कन्वर्जेंट हो गया, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अब भी कोई कन्फ्यूजन, डाउट, शंका, समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। Otherwise, like the video and hit the subscribe button. Thank you for watching.